कि भारत एक है। और इन्हीं विडंबना को तोड़ने के लिए हमने एक प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा राज्य है, इन समूह को आगे बढ़ने का, इनका मार्ग प्रशस्त करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। इनका बस चले तो हम अभी भी जंगल में जाकर के वही 50-100 साल पुराने जिंदगी में जिए, और मुझे इसका आभास था अध्यक्ष महोदय, जो इनके अंदर छुपी कुंठा है वो आए दिन ये बयां करती थी इनके आचरणों से, इनके आचरणों से, इनके बयानों से। लेकिन हमने हार नहीं मानी है अध्यक्ष महोदय, इनको लगता है सलाखों के अंदर डाल अपने मंसूबे में, या अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य, देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ हर कोने में, जहाँ हर कोने में आदिवासी दलित पिछड़े, आदिवासी दलित पिछड़े, अनगिनत सिपाहियों ने, अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर, अपनी कुर्बानी देकर आदिवासी दलित, यहाँ के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी, देश आजादी के सपने भी थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी दलित पिछड़े के ऊपर, और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा, आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं, आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। एक्चुअली दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय इस राज्य का, तथाकथित हमारे राज्य के ही कुछ लोग जो ऐसे सामंती विचार वाले के चरणों में जाकर के झुककर उनकी सेवा और पूजा अर्चना में लगे,
नहीं तो इस राज की इतनी दुर्दशा नहीं होती अध्यक्ष। राज अलग हुए 23 साल हो रहे हैं, 24 साल हो गए अध्यक्ष महोदय। किसने सबसे अधिक राज किया इस राज्य में, ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। सब अपने गिरेबान में देखें, सबको पता चलेगा कौन कहां बैठा, किसने क्या काम किया। घोटाले इनको 2024 से ही नजर आ रहे, 2000 से नजर नहीं आ रहे, 2019 से ही इनको नजर आ रहे। आज ये नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय, देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे, ये नहीं चाहते ये जज बने, ये नहीं चाहते ये आईएएस आईपीएस बने, ये नहीं चाहते ये राजनेता बने। इन्हीं के साथ बैठे लोग हैं, इन लोगों ने भी आदिवासी नेता बनाया था मुख्यमंत्री। बता दीजिए इन कितने आदिवासियों ने 5 साल पूरे किए, और मुझे पता था ये मुझे भी 5 साल पूरा करने में रोड़े अटकाएंगे, और नतीजा ये हुआ आखिरी सांस तक कुछ भी करो 5 साल पूरा नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड में नहीं लिखना चाहिए, रजिस्टर में नाम नहीं आना चाहिए। बस यही अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सर झुकाकर चलना नहीं सीखा, यही खासियत है आदिवासियों। लेकिन होता है कि सरसों में ही भूत है तो सर भूत भागेगा का, माफ कीजिएगा, सरसों में ही भूत है तो भूत भागेगा का। यहां कुछ भूत ऐसे भी हैं जिसकी वजह से ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रयास हुआ, जब जब हम लोगों ने अलग राज का परिकल्पना किया तब भी इन लोगों ने हंसी उड़ाई कि आदिवासी लोग अलग राज लेगा। जब हम सत्ता में आए आदिवासी सत्ता चला पाएगा, कुछ दिनों में गिर जाएगा। मैं हवा जहाजों में चलता था अध्यक्ष महोदय, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं 5-स्टार होटलों में रुकता था, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं BMW कार में घूमता हूं, उसमें भी इनको तकलीफ। क्या कहावत है कि हम करें तो गुनाह, ये करें तो क्या, यही कहावत है। खैर छोड़िए, अध्यक्ष महोदय बड़ा विचित्र स्थिति है। अब जो स्थिति दिखाई दे रहा है अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर झारखंड के परिपेक्ष के अलावा पूरे देश के पैमाने में अब आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। विशेषकर झारखंड में तो यहाँ के खनिज संपदाओं को, जो वर्षों से इस पर लोगों की गिद्ध नजर है और आगे भी रहेगी। ये तो हम थे अध्यक्ष महोदय, ये बहुत फूक फूक करके उनको आगे बढ़ना पड़ता था। ये खुला दरवाजे की आदि हो चुके हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। जो इनके सामने आएगा वो इसी तरीके के अंजाम से उसको गुजरना पड़ेगा, और इनको लगता है ऐसे अंजाम देने से झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है, और इतनी बड़ी ये भूल होगी जो झारखंड का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, आज जो षड्यंत्र का पैमाना है वो इस कदर बड़े, उसके जो दायरे बने हैं, कानून के अंदर रह करके गैर कानूनी काम करना कैसा हो ये कर किसी से सीखना हो
तो इन लोगों से सीखिए और इनके संस्थाओं से सीखिए। मैं तो कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, या आपने ईडी और सीबीआई को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दें कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला गया। अब इनको नहीं मिला तो हमारे बीबी बच्चों परिवारजनों के खाता बही ढूंढने में लगे। ये पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां से आया, ये आया वो आया। अध्यक्ष महोदय, असमानताएं देखिए इसी सदन के अंदर, जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण, जो यहाँ के आदिवासी विधायकों को कितने वर्षों के लिए मिलता है और गैर आदिवासियों को कितने सालों के लिए मिलता है। इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। देखो, ये बहुत लंबी लड़ाई है। आज जिस तरीके से बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, सामाजिक व्यवस्था में भी यही कहानी है। एक बड़ी व्यवस्था छोटी व्यवस्था को खाने का हर बरकस प्रयास करती है। प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को, राम राज आ गया, पहला कदम बिहार पड़ा। बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हद होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास, क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई, ताकि हम कैसे इसको निकल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं, गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के बाहर। इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। इस वजह से अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ईडी ने पकड़ा। जिस तरीके से बंधुदा का सदस्यता लिया, ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हो सकता है मेरा भी यही असर करे। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये बात मैं सदन में कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है, और इस मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो। ये हमारा संकल्प, ना हम पीछे हटे हैं, ना हम लोग पीछे, हम लोगों ने पीठ दिखाई है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कोर्ट का आदेश है कि मीडिया के सामने या बाहर वक्तव्य नहीं देना है। तो हमने ईडी वाले से पूछा, क्या सदन में भी बात नहीं रखनी है? उन्होंने ये भी कहा, नहीं सदन में भी आप। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी बजट सत्र का आगाज हो चुका है, बजट पेश हुआ है, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। 2020-21 का बजट प्रदेश के युवा ऊर्जा को समर्पित था, 21-22 का बजट प्रदेश के स्वावलंबन से सशक्तिकरण के इस अभियान को समर्पित था, और 22-23 का अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का प्रदेश का बजट रहा है। वर्ष 23-24 का बजट हमारी सरकार ने
त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए समर्पित किया तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं, उनके विचार में, उनके संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का ये बजट है, ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 736,437 करोड़ रुपए का यह बजट, यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे 2023-24 की तुलना में बजट में 6.7% की वृद्धि इसमें की गई है, और अगर आप देखेंगे कि प्रदेश का जो बजट का आकार में जो बढ़ोतरी हुई है, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र के आवाज़।